आप सबको इस चीज़ से अवगत हो ही गया है कि 18 अप्रैल को पूरा संविदा परिवार NHM हमारा जो है हड़ताल पर उतर रहा है। साथियों, ये समय बड़ी हमारे लिए, हमारे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण समय है। हमने कहीं लंबी लड़ियाँ लड़ी है दोस्तों, और मुझे पूरा विश्वास है कि इस लड़ाई में भी हम जरूर सफल होंगे। डेफिनेटली उसके रिजल्ट नहीं थे, लेकिन हम कभी हार नहीं मानेंगे। हम शासन से हमारा अधिकार मांग रहे हैं, हक मांग रहे हैं, और बाकायदा पूरी जिम्मेदारी के साथ से शासन से मुझे पूरा विश्वास है कि वो हमें देंगे, लेकिन हम किसी भी हालत में पीछे नहीं हट रहे हैं। तो 18 अप्रैल को पूरा प्रदेश का संविदा जगत तैयार हो जाए फिर से एक हड़ताल के लिए। ये हड़ताल आर पार की रहेगी, जिम्मेदारी की रहेगी, हम सबकी जिम्मेदारी बनती इस हड़ताल को सफल बनाना है, हमारा लक्ष्य है। और इस हड़ताल के पहले पहले की जो भी संपूर्ण कार्रवाई है, मैं चाहता हूँ 14 तारीख तक संपूर्ण जिलाध्यक्ष CMHO सर को ज्ञापन प्रस्तुत करेंगे 18 तारीख के हड़ताल के लिए। और मुझे पूरा विश्वास है कि डिवीजन की टीम, मार्गदर्शक मंडल, कार्यकारिणी की टीम हमारी पूरी तैयार हो गई है। मुझे पूरा विश्वास है कि पूरी टीम एक जुटता के साथ में इसमें उतरेगी, और ये मैदान में हम लोग इस समय में, एक बार वो स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि ये सिर्फ जिम्मेदारी सिर्फ हमारी अभी तक की नहीं रहेगी, हमें इस जिम्मेदारी को लंबे समय तक निभाना है। मुझे पूरी टीम पे विश्वास है कि जिस प्रकार से आपने उत्साह और प्रेम के से इसको जो सहयोग किया है, इस टीम के साथ आपने अपनी जिम्मेदारी के साथ में इसको आगे बढ़ाया है, हम एक आगे की लड़ाई जरूर जीतेंगे। साथियों, हम लोग तैयार हो जाएं, और सभी जिलाध्यक्ष और सभी सक्रिय सदस्यों से मेरा निवेदन है कि वो 14 तारीख के पहले संपूर्ण कार्रवाई अपनी पूर्ण करें। धन्यवाद।